नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह झांसी का मानिक चौक का बाजार है। आप देख सकते हैं कि इस समय यह पूरा बंद है। आज झांसी में कोरोना के 52 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झांसी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद बाजार पूरी तरह से बंद हैं। आज रात से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो रहा है। झांसी में व्यापारियों ने लॉकडाउन से पहले ही बाजार को बंद कर दिया है। यह जो रास्ता है, यह आप सराफा बाजार की ओर जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि यह सराफा बाजार है। यह सराफा बाजार भी पूरी तरह से झांसी का यह सराफा बाजार है। आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से बंद है। यह जवाहर चौक वाला इलाका है। यहाँ भी व्यवसायिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद हैं। आम दिनों में इस रास्ते पर लोगों की इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बड़े बाज़ार की ओर जाने वाला रास्ता जो पूरी तरह से खाली है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी बंद है। इसी के बगल से झांसी की सबसे पुरानी पसरट वाली गली है। यह पसरट वाली गली है जिसे झांसी का सबसे पुराना बाजार कहा जाता है। आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से बंद है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि झांसी का यह जो इलाका है, जो तीन रास्तों को जोड़ता है, सामने वाला रास्ता आपको सराफा बाजार की ओर दिखाई देगा, जहां से गाड़ियां मुड़ रही हैं, यह मानिक चौक की ओर जाता है। इसके साथ यह रास्ता बड़ा बाजार की ओर जा रहा है। ये तीनों रास्तों पर व्यवसायिक गतिविधियों को व्यापारियों ने बंद कर दिया। हालांकि कल से, यानी आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लग रहा है और यह 13 जुलाई तक चलेगा। झांसी में जैसा कि हमने आपको बताया कि 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में झांसी वासियों में कोरोना को लेकर दहशत हो गई है। कई इलाके कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, कई इलाकों को सील किया गया है। खासतौर से कोरोना का कहर शहर वाले कई इलाकों में है। जो शहरी इलाके हैं, उन इलाकों में कोरोना की दहशत लगातार बढ़ रही है। हमारे कोरोना से जंग में कई सामाजिक संगठन, जिसमें नागरिक सुरक्षा संगठन है, इनके लोग लगातार लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना महामारी जो झांसी में विकार रूप ले रही है, हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्य अतुल कुलपन जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, झांसी में जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लॉकडाउन भी लगाया गया है, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को, किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं? विश्वव्यापी ये कोरोना महामारी
झांसी में पूरे देश में 22 मार्च से बंद हुआ था और उसको देखते हुए नागरिक सुरक्षा संगठन जो है माननीय DM साहब हमारे जो कंट्रोलर हैं उनके निर्देशन में घर घर जाकर डोर टू डोर मैपिंग करी। माननीय मुनीश जी गुप्ता डिप्टी कंट्रोलर और हमारे चीफ वार्डन बालकृष्ण कुशवाहा के नेतृत्व में झांसी में हम लोगों ने सभी लोगों को जागरूक किया मास्क लगाने के लिए, हाथ सैनिटाइज करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए। हमारे प्रत्येक पोस्ट में यहाँ से 20 पोस्ट हैं और उन 20 पोस्टों में पोस्ट वार्डन के नेतृत्व में डिवीजन वार्डन के निर्देशन में सभी वार्डनों ने जो है सभी नागरिकों को जागरूक किया कि आप लोग ये विश्वव्यापी महामारी से बचें और खुद बचें और दूसरों को बचाएं। ये जो लॉकडाउन लगाया गया है ये और बढ़ाया जाना चाहिए कि अभी ठीक है? जहाँ है तो जहाँ है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारे मोदी जी ने, और अपनी जान की स्वयं की रक्षा करने के लिए निरंतर है। आपको स्वयं ये ध्यान रखना होगा कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपकी सुरक्षा के लिए बढ़ेगा। हर आदमी के पास समय खान पान की व्यवस्था है, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो देखा आपने बाजार में व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद हैं लेकिन लोगों का आवागमन अभी भी जारी है। लोगों को घरों में रहना बहुत ज़रूरी है, बाजार बंद है। फिलहाल मार्केट संवाद आपसे अपील करेगा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।